We are here. 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 We are everywhere. Apna Karachi FM 107. Karachi ki awaaz. अपना कराची 107 के मौजूद सामईन, मैं डॉक्टर फरीदुल्ला सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ और आज का प्रोग्राम ताज़ा दम जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए है लेकर हाजिर हूँ। मेरे साथ मोहतरमा सीमा रजा भी तशरीफ़ रखती हैं। एक बार फिर जनाब आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। जी सलाम अलैकुम, मैं डॉक्टर फरीदुल्ला सिद्दीकी आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे इस प्रोग्राम में, जैसा कि हमारे सामईन जानते हैं कि हमारे पास कभी कभी बहुत ही डिस्टिंग्विश किस्म के हमारे खसूसी मेहमान होते हैं जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला रहता है। सिमा साहब, आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान तशरीफ़ फरमा है, एक ऐसे डिस्टिंग्विश शख्सियत हमारे पास मौजूद है जो पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत है, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, न सिर्फ कराची की शख्सियत बल्कि पाकिस्तान की, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि तमाम दुनिया में जानी जानी पहचानी शख्सियत है। आप हैं जनाब जमशेद मारकर साहब। हम इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जमशेद मारकर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में और थैंक यू वेरी मच सर कि आपने जहमत की और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने जो मुझे इनविटेशन जो आपके स्टेशन पे बुलाए, बहुत शुक्रिया आपका। इट्स ए प्लेजर टू बी इन फ्रंट ऑफ अ माइक अगेन। यस ऑफ कोर्स सीमा रजा, ये आपने जो कहा इट्स ए प्लेजर टू बी ऑन इन फ्रंट ऑफ द माइक, तो सामईन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जमशेद मार्कर साहब ने यह जुमला क्यों कहा कि उन्हें माइक्रोफोन के सामने आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जमशेद मार्कर साहब को माइक्रोफोन से बड़ी मोहब्बत है और माइक्रोफोन को भी जमशेद साहब से बड़ी मोहब्बत है। हमारे वो लोग जिनको क्रिकेट के शौक है और जो रेडियो सुनने के शौकीन रहे हैं वो इस आवाज को कभी नहीं भूल सकते जो जनाब उमर कुरैशी साहब के साथ क्या खूबसूरत वो क्या करते थे कमेंट्री, और हमारा हारा हुआ मैच भी हमें जीता हुआ महसूस होता था जब उमर कुरैशी साहब और जमशेद मार्कर साहब कमेंट्री करते थे। वाह, क्यों सर ऐसा नहीं था? जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। माइक्रोफोन के साथ हमारी मोहब्बत तो बहुत थी लेकिन वक्त वक्त दुश्मनी भी होती थी। अच्छा, जब आपको उस वक्त अफसोस होता होगा जब आप देखते थे कि पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेल रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे क्रिकेट में जो अगर जो आपने एक बैड स्ट्रोक खेला तो फिर बैट तोड़ने का दिल चाहता था। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपको संभाला देते थे उमर कुरैशी, मैंने ये देखा था आप दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते थे। कभी आपको बैट स्ट्रोक के ऊपर गुस्सा आता था तो उसको नरम कर देते थे कुरैशी, और कभी कुरैशी गर्म हो जाते थे तो आप उसको नरम कर देते थे। जी जी, हमारी बहुत दोस्ती थी पुरानी, बहुत दोस्ती थी। लेकिन फरीद साहब, दोस्ती से पहले आप ये भी तो बात करें ना कि आपका बैकग्राउंड। जी मैं अभी अभी आ रहा हूँ, अभी तो इतनी लंबी जिंदगी और माशाल्लाह इस वक्त हमारे सामने जमशेद मार्कर साहब तरोताजा बिल्कुल बैठे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी ताजा दम है। जी जी, हालांकि ही इज इन हिज 90s, 90 साल की उम्र में तशरीफ फरमा है और आप ये देखिए कितनी हिम्मत है कि सुबह सुबह हमारे स्टूडियो में आ गए। जमशेद मार्कर साहब, मैं आपके बारे में सामईन को बताऊं बल्कि मैं आपके मुंह जबानी सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, ये बात आप कराची शहर के पुराने वासी हैं और एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड पारसी कम्युनिटी से आपका ताल्लुक रहा। आपके फादर यहाँ बहुत बड़े बिजनेस करते थे और उसके बाद आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, देहरादून का मैं नाम देखता हूँ, जरा सा बताइए अपने बैकग्राउंड, अपने बचपन का हाल बताइए। जी डॉक्टर साहब, अब वक्त ऐसे आया कि बहुत ख्याल तो ऐसे होते लेकिन नजरों के सामने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें गुजरती है। वाह वाह क्या बात है, नजरों के सामने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें गुजरती हैं आपके, वहाँ क्या कहना है। चलिए बचपन में जाइए जरा थोड़ा सा, कराची में कब आप पैदा हुए, कहाँ पढ़े आप?
आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी पैदाइश हुई हैदराबाद दक्कन में. वंडरफुल, सच ए ग्रेट यू नो. जी बिल्कुल, नवाब साहब के वहाँ पे. हाँ, तो मैं असल में मुल्की कहा जाता है. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. जो हैदराबाद में जिनकी पैदाइश हुई, तो मेरे फैमिली इंडिया में हर जगह थे. हैदराबाद में मेरे दादे नवाब थे. अच्छा, नवाब एरची और जंग. जी जी जी. और फिर हेड ऑफ नागपुर में निजाम के एजेंट थे. जी. और हेड ऑफ कस्टम्स ऑफ हैदराबाद. और फिर उनके भाई थे नवाब फरीदुन्निसा जंग. जी बिल्कुल, बड़ा नाम है. चीफ इंजीनियर थे हैदराबाद के. जी. और दोनों ने बाद में चंद महीने जेल में काटे. अच्छा, वो किस 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 जुर्म में? क्या हुआ था? जब इंडियन इन्वेजन हुआ ना. अच्छा, जब इन्वेजन, इंडियन इन्वेज जब किया था, तो ये सीनियर आदमी थे नवाब की नौकरी में, तो उनको गिरफ्तार किया था. तो इन्होंने भी खुशी भी देखी और ये बिल्कुल सही. लेकिन हमारी तो ये मैं कहना चाहता कि हैदराबाद में मेरी पैदाइश हुई. जी. फिर बाद में लेकिन हमारे फैमिली तो थे कराची और क्वेटा. अच्छा. तो उसके बाद क्वेटा आके मेरी स्कूलिंग के लिए वहाँ पे क्वेटा में, क्वेटा ग्रामर स्कूल में थे. जी. लेकिन उसके बाद ये डून स्कूल इन देहरादून, यूपी. जी. वो नया नया शुरू हुआ था इंडियन पब्लिक स्कूल के, तो उसमें आई वाज इन द फर्स्ट लॉट. अच्छा. स्टूडेंट्स. अच्छा, दिस इज अ डिस्टिंग्विश मैन. आई मीन, क्या आप, यू वर द फर्स्ट लॉट ऑफ डून्स कॉलेज? हाँ जी, डून्स स्कूल के. डून स्कूल. अच्छा, जमशेद मार्केट साहब, टूल्स स्कूल जो था वो देहरादून में था. जी. एंड देहरादून इज ए वेरी प्लेजेंट सिटी इन इंडिया. जी. वो मसूरी पहाड़ी जो है उससे 15 मील के फासले पर है. जी, जी, जी. तो आप देहरादून की कुछ यादें बताइए. जी. आपको लीची याद दिलाता हूँ मैं. हाँ जी. हाँ, लीची तो हमारे स्कूल के बगीचे में थे. हाँ, खुदरो दरख्त होते थे लीची के. और गर्मियों में दोपहर को जी हम लीची की चोरी करने की तो वो तो बहुत ही अच्छे दिन गुजरे हैं. जी. वो कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, लेकिन फल मीठा बहुत ज्यादा जो होता है वो चोरी का फल. बिल्कुल. इस पक्की बात है. इस पे तो ये पक्की बात है कम्प्लीटली. अच्छा सर, उसके बाद आपने स्कूलिंग किए और फिर कॉलेज आपने फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज से आपने किया लाहौर. हाँ जी, लाहौर में आया फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज. वहाँ पे मुझे मेरी बीए ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ मिला. ठीक. और उसके बाद मैं नेवी में दाखिल हुआ. अच्छा, नेवी मर्चेंट या नेवी? इंडियन नेवी. हाँ जी, फौज में. जी, फौज में. तो हम सेलोन में पोस्टेड थे, बॉम्बे में थे, और फिर बर्मा में जंग के दिन में था. अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप बर्मा में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. तो यू आर ए सेलर आल्सो. जी 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 जी. तो वहाँ कहाँ तक पहुँचे थे? कैप्टन हुए थे आप? जी नहीं, उन दिनों में लेफ्टिनेंट बन गए थे. अच्छा, चले, वेरी गुड. लेकिन आई टुक द फर्स्ट शिप. वी वर इन अ माइंड स्वीपर जिसे कहते हैं. अच्छा, टेक्निकल साइड पे थे आप? नहीं नहीं, माइंड स्वीपर. ये जो माइंड जो होते हैं ना, उसको निकालते वहाँ से, निकालने हो ताकि दूसरी जहाज ऊपर दबा ना हो. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कुछ समुन्द्र के अंदर माइंस बिछाए गए थे, कुछ ऐसा था? समुन्द्र में नहीं, लेकिन दरिये में. अच्छा. जहाँ पे समंदर और दरिये मिलते थे ना, डेल्टा. डेल्टा में. तो ये रंगून में, रंगून रिवर में था. तो मेरा पहला जहाज था विच वेंट देयर
आफ्टर द वॉर जी आप हम आपसे बात जारी रखेंगे वी आर हियर 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 वी आर एवरीवेयर अपना कराची FM 107 कराची की आवाज हमारे स्टूडियो में जमशेद मार्केट साहब तशरीफ फरमाए बतौर मेहमान और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया कि हम समझते हैं कि आज हमारा पूरा प्रोग्राम भी शायद इनकी जिंदगी को अहाता ना कर सके लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर तौर पर जमशेद मार्केट साहब की जिंदगी को निचोड़ सकें जितना उनके बारे में जान सके। जी जमशेद मार्केट साहब आप हमें बता रहे थे कि आप नेवी में चले गए थे, पहले तो आपने बताया आपने देहरादून से पास किया मैं और उसके बाद आप फॉर्मल कॉलेज लाहौर में थे, देन यू आर इन नेवी ऑल्सो। उसके बाद जो आम आदमी जो इस वक्त सुन रहा है, जो जमशेद मार्केट का नाम सुन रहा है इस वक्त रेडियो के ऊपर, उसके जहन में फौरन आपके जो बड़ा कैरियर है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर एज ए डिप्लोमेट, वो उसके जहन में आ रहा होगा। आई विल बी कमिंग टू दैट, मैं उसके ऊपर आऊंगा आपके डिप्लोमेटिक लाइफ के ऊपर। लेकिन आप और कुछ अपने उस लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में बताना चाहें। उस वक्त आप स्पोर्ट्स खेलते थे, वर यू क्रिकेटर ऑल्सो? जी मैं बहुत से क्रिकेटर, लेकिन बहुत ही कमजोर किस्म का क्रिकेटर था एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंटेटर। हमें जो FC कॉलेज अमेरिकन कॉलेज था जी, तो उन्होंने उनके क्रिकेट पे कुछ कम जोर था, उनका कम जोर, दे डोंट प्ले क्रिकेट नहीं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि नंबर वन तो मैं कॉलेज क्रिकेट टीम में आसान से मेंबर हो गया, उन्होंने ले लिया मुझे ठीक। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के साथ या इस्लामिया कॉलेज के साथ जो मैचेस होते थे, हम फर्स्ट इनिंग्स में कोई 30-35 रन में ऑल आउट हो जाते थे। अच्छा, इतने कमजोर थे? और फिर उसके बाद बट यू आर बैट्समैन और बॉलर, I mean, what was your? Actually, I was all rounder and also but दोनों में। अच्छा, दोनों खेलते थे, बॉलर भी थे वैसे, और दोनों में काफी कमजोर थे। लेकिन उसके बाद जब तमाम दिन फील्डिंग करना पड़ता ठीक, तो वो हमारी क्रिकेट में, लेकिन कमेंट्री तो बहुत बाद में। अच्छा, हाउ यू केम टू कमेंट्री के ऊपर, आप कैसे आए, किसने आपको उसका शौक दिलाया और यू फेल्ट योरसेल्फ कि यू कैन बी अ वेरी गुड कमेंटेटर? जी नहीं, ये तो अव्वल तो उमर कुरैशी से मेरी दोस्ती थी। अच्छा, कहाँ, कॉलेज के साथ ही थे आप? नहीं, यहाँ पे कराची में, कराची में। अच्छा अच्छा, और उनके साथ मेरी दोस्ती थी और उसने कमेंट्री पहले शुरू की ठीक। और उन दिनों में पाकिस्तान नया नया था जी, और हमें वी डिपेंडेड ऑन इंग्लिश, तो हमारे कमेंटेटर्स भी यहाँ पे अंग्रेजी के, दो अंग्रेज थे और जिनका पाकिस्तान के साथ कोई खास ताल्लुकात नहीं था। अच्छा, और फिर पब्लिक भी कुछ खुश नहीं थे ठीक। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान मिस्टर जुल्फिकार अली बुखारी, नहीं आफ्टर हिम, आफ्टर हिम रशीदुद्दीन अहमद, यस ग्रेट डायरेक्टर, वो मेरे प्रोफेसर थे स्कूल में। अच्छा, डून स्कूल में। तो उन्होंने एक दिन मुझे टेलीफोन किया कि आके मिलो मुझे, और हम पाकिस्तानी कमेंटेटर ढूंढ रहे हैं ठीक। मैंने कहा था वेरी गुड, आई विल हेल्प यू, नहीं उन्होंने कहा नहीं आपने करना है उमर कुरैशी के साथ। उमर कुरैशी तो मेरे दोस्त थे, उमर कुरैशी पहले से कर रहे थे जी। अच्छा, आप बाद में आए, तो वो तो मेरे बहुत दोस्त थे। तो उन्होंने रशीदुद्दीन ने मुझे कहा, अब ये अंग्रेजी में बताऊं आपको, जी जी जरूर, कि जस्ट इमेजिन that you are sitting next to a very dear friend of yours who is blind. Achha.
And who loves cricket. Ah, that's a good idea. Oh, wonderful idea. And you have to relate the story. And you, yes. Yeah, that's a good idea. वो जहन में रख के बड़ा अच्छा आप अपनी कमेंट्री शुरू करें. ठीक ठीक. और कमेंट्री करें तो आप क्रिकेट की बात करें उनके साथ. बाकी ये नहीं कहा कि ये देयर इज अ गर्ल विद अ प्रिटी गर्ल विद अ साड़ी और समथिंग लाइक दैट. यानी जो असली क्रिकेट की जो बात है विच इज व्हाट ही इज इंटरेस्टेड इन वो आप इनको करें. कीपिंग दिस इन माइंड. ठीक. आपके दोस्त भी है और अंधे भी है और क्रिकेट भी. दैट वाज अ वंडरफुल आइडिया. बहुत ही उन्होंने ये बहुत ही बहुत हमें एडवाइस दी. तो उससे बाद में फिर उमर और मैंने हम भी प्रैक्टिस करते थे. उन दिनों में टेलीविजन तो नहीं था. ये सब सिर्फ रेडियो था. जी सिर्फ रेडियो था. तो एक दफे एक चैरिटी मैच थी यहाँ पे कराची जिमखाना में. जी. और वो चैरिटी वाले पैसे चंदा जमा करना था. ठीक. और मैच बड़ी डल थी. बिल्कुल न विकेट में जान थी न मैच में जान थी. अच्छा. तो वो उन्होंने ऑर्गेनाइजर ने आके हमें कहा कि भाई आप कुछ इसमें मिर्च मसाला डालो. अच्छा. कुछ जान पैदा करो और कुछ लोगों की दिलचस्पी उठाओ. तो हमने चीज कहा कि भाई ये मैच में ये विकेट बहुत डिफिकल्ट है उसके बावजूद इतना ये दिलचस्प है जो असली क्रिकेट का जो एक्सपर्ट है उसको आके देखना चाहिए. अच्छा. तो फिर उन दिनों में कराची जिमखाना में कोई कमेंट्री बॉक्स नहीं थी. सिर्फ एक छोटा सा स्टेज था ओपन एयर खुला जहाँ पे हमारे माइक थे और तो लोग आते जाते थे. तो उसमें एक पब्लिक आके बहुत नाराज. अच्छा. और चीखने लगा. अच्छा. इन फ्रंट ऑफ माइक्रोफोन. हाँ. कि ये सब झूठे हैं इनके बाद बिल्कुल मत. मैं आराम से लेटा था घर में और सुनता था. इन्होंने ये सब झूठ बता के मुझे यहाँ पे ले आए. ये क्रिएट कर रहे हैं सर. आप बिल्कुल मत. अच्छा. जमशेद मार्के सर ये बताइए उमर कुरैशी साहब के साथ आपका बड़ा साथ रहा. कभी आप लोग जब मिलकर कमिटी करते थे एक दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस यानी करते थे कि ले जाने की कोशिश करें कि आई मस्ट बी मोर बेटर देन उमर कुरैशी और उमर कुरैशी शुड बी मोर बेटर देन जमशेद मार्के? जी नहीं. ऐसा कभी नहीं हुआ. कभी नहीं हुआ क्योंकि असल थे हम दोस्त हैं. अच्छा. बहुत अच्छे दोस्त. और यानी थोड़ी सी मस्ती तो करते थे हम. ये बना के मैं कुछ कह दूं जिससे वो हंस जाए और इसकी फ्लोग में. और वही आपकी दैट वाज यू नो वही सबसे बड़ी खूबसूरती थी ब्यूटी थी कि आपकी कमेंट्री लोग इसीलिए सुनते थे कि आप उसको क्रिएट करते थे उसमें कुछ दिलचस्प गर्म मसाला डालते थे ताकि लोगों को सुनने में मजा आए. जी. अच्छा. चले क्रिकेट से हम जरा आपके इस लाइफ की तरफ आते हैं. एक सवाल. जी जरूर. एक सवाल यहाँ पहुँचा है शबीना तराज का. जी, सवाल जी, है जरूर. डिफेंस फेस टू से उनका सवाल है और वो ये किक पूछती है कि जब आपने पहली कमेंट्री की जमशेद मार्कर ने तो वो क्या मार्किंग थी उस वक्त क्या उसकी फीलिंग्स थी पहली कॉमेंट्री की किसकी जमशेद साहब की क्या फीलिंग जमशेद साहब जी आप खुद कैसा महसूस कर रहे खुद कैसा महसूस किया आपने बहुत कुछ कॉमेंट्री के लिए जो कुछ आपने बोला वो तो अब जैसे मैंने बताया ना रशीद साहब ने कहा कि यह आपने करना चाहिए तो वो करने के बाद उन दिनों में वो पोर्टेबल रेडियोज थे ना. ओके. तो उस पे रिकॉर्ड करके मैच के बाद शाम को. अच्छा. सुनते थे आप. हम घर में जाके सुनते थे. गुड. कि ये ट्राई एंड अव्वल तो इनिशियली जो होते थे हम बहुत करते थे क्योंकि पता लगा तो करेक्ट दैट. ओके. लेकिन उसके बाद फिर मैंने यही महसूस किया कि आपकी आवाज में खास तौर पे मैंने आपकी सारी कमेंट्री सुनी है क्योंकि मुझे क्रिकेट से लव था
और क्रिकेट से सिर्फ कम्युनिटी के हद तक ज्यादा लव था, और रेडियो तो हम आपको पता है कि हर घर में उस जमाने में होता था। अच्छा चलिए, फिर जब ये सिलसिला चलता रहा, हाउ यू केम टू डिप्लोमेटिक लाइफ, आपने अपना पहला कैरियर कैसे स्टार्ट किया? मैं यहाँ पे कंटिन्यू सर अच्छा मैं यहाँ पे बिजनेस में था कराची में, और उन दिनों कराची में यानी इट वाज़ द कैपिटल, द कमर्शियल कैपिटल, इट वाज़ अ लवली सिटी, बहुत बड़ा मजा आता था यहाँ पर रहना। तो उस वक्त अजीज अहमद साहब हमारे बहुत दोस्त थे, फॉरेन मिनिस्टर जो रह चुके थे, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ड्यूरिंग भुट्टो रिजीम, बिफोर दैट एक्चुअली अयूब खान के जमाने में। तो उन्होंने मुझे कहा, जमशेद मार्कर साहब आपकी गुफ्तगू को मजीद लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया है बहुत अहम, यहाँ बढ़ते हैं और आपकी गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जारी रखेंगे। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 में कराची की आवाज, और जनाब ये है हमारा खूबसूरत प्रोग्राम ताजा दम। आज हमारे मेहमान मौजूद हैं बहुत बड़ी शख्सियत, कदावर शख्सियत, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी पाकिस्तान के हवाले से जमशेद मार्कर साहब, और डॉक्टर फरीद सिद्दीकी और सीमा रजा आपको इस प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। जी फरीद साहब। जी जमशेद मार्कर साहब, मौसीकी एक ऐसी चीज है कि जो सर पे चढ़ के बोलती है, और आपने बताया कि आपको मौसीकी से बहुत दिलचस्पी रही है। कभी आपको मौका मिला है किसी बहुत बड़े कवि जैसे लता है, रफी है, मुकेश, इन लोगों के साथ कभी मिलने का, या उनको सामने से सुना? मैं नहीं। अच्छा, लेकिन आप इतने एम्बेसडर रहे, कितने मुल्कों में रहे, तो नूरजहान बेगम से। अच्छा, नूरजहान साहब का सिलसिला था बहुत, हमारी पाकिस्तान की सबसे लीजेंड गाने वाली जी, उनके साथ। जी क्या कहना है। ख्वातीन वज़ाद हमारे साथ जमशेद मार्कर साहब हैं, और उनसे बातों का सिलसिला जारी है। मैं उनके मुताबिक, जैसे कि पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका था उनके कैरियर के मुताबिक, मैं थोड़ा सा उनके अवार्ड्स के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले। देखिये 1939 और 45 के दरमियान स्टार, बर्मा स्टार वॉर सर्विस मेडल मिला था, ऐसा था ना हर जमशेद मार्कर साहब। और सितारे कायद आजम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1971 में दिया है जमशेद मार्कर साहब को। उसके बाद हिलाल इम्तियाज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2004 में आपको दिया। जी, जी। ये और भी बीच में ग्रैंड मेडल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ डी मेरिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का है, जो 1986 में जमशेद मार्कर साहब को मिला है। ये मैंने बातें इसलिए बताई कि आगे चल के हम जमशेद मार्कर साहब की जो डिप्लोमेटिक लाइफ है उसके ऊपर बातें करेंगे, क्योंकि उस सिलसिले में जमशेद मार्कर साहब की एक बड़ी खूबसूरत किताब है, आप मुसन्निफ भी हैं, ही इज अ राइटर आल्सो, अ ग्रेट राइटर, इनकी किताब है क्वाइट डिप्लोमेसी, सच अ ब्यूटीफुल नेम एंड सच अ ब्यूटीफुल बुक। इसके अंदर ये किताब पढ़ने वाली है। मैं तमाम सामीन से कहूंगा कि जिन्हें पढ़ने का शौक है कि वो क्वाइट डिप्लोमेसी जरूर हासिल करें और पढ़ें, और देखें कि किस तरह हमारे एम्बेसडर जमशेद मार्कर साहब ने पाकिस्तान का नाम तमाम ममालिक में जाकर रोशन किया। जरा बताइए, आपने सबसे पहले आप कहाँ एम्बेसडर थे, कैसे आप इस लाइन में आए थे? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका फॉर जो अमेरिका में कहते हैं ना द प्लग फॉर द बुक, द प्लग फॉर द बुक। या नहीं, ये जैसे मैं कह रहा था कि अजीज अहमद साहब के साथ मेरी दोस्ती थी जी, और एक दिन उन्होंने उनका टेलीफोन आया मेरे दफ्तर में कि आके मिल जाओ मुझे। आपने जब कहा कि आपके दफ्तर में, तो कौन सा दफ्तर था, आप क्या करते थे, आपका कोई बिजनेस था? बिजनेस करते थे आप जी, खेमाड़ी में था दफ्तर मेरा। तो उन्होंने मैंने तो कहा कि शायद ये कुछ डिप्लोमेटिक पार्टी है वो जिसपे हमें खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनका मकसद और था। ठीक, उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू, हाउ वुड यू लाइक अ डिप्लोमेटिक असाइनमेंट। तो मैंने कहा कि इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर टू सर्व पाकिस्तान। थोड़ा सा आपको ताज्जुब हुआ था? जी नहीं। या आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि भाई? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारे तीन स्टेशन है विच वी आर अवेलेबल, दो तो वेरी प्लेजेंट व्हाट आई कॉल कॉकटेल सर्किट। ठीक। एक था रियो
दूसरा था मेक्सिको, और फिर तीसरा उन्होंने कहा इज स्टेशन इज गाना. गाना उन दिनों में 1965 अफ्रीका, तो अफ्रीका में था. और लोग कहते कि कौन जाए, लेकिन मुझे तो इस पे दिलचस्पी हुई कि आई न्यू नथिंग अबाउट अफ्रीका, नॉट डिड मेनी पीपल इन द वर्ल्ड. और उस वक्त अनक्रुमा वाज वेरी एक्टिव अफ्रीकन इंडिपेंडेंस वगैरह, बहुत बड़ा लीडर था. या तो और तो मैंने तो कहा कि आई वुड लाइक टू चूज गाना. यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन मेरी चॉइस हो. तो बाद में उन्होंने मुझे कहा कि यू वर द ओनली वन हु वांटेड टू. दूसरों सबको जो हमने ऑफर की थी उन्होंने कहा कि यूरोप में कोई हमें अच्छी जगह नहीं आप दे सकते. बहरहाल आई लाइक एंजॉयड इट वेरी मच. दैट वॉज योर फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन घाना एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. जी, इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1965 की बात है. बहुत पुरानी बात है माशाल्लाह. अभी हम जंग में गए थे इंडिया के साथ, ये उससे पहले की बात है. 65 आप बोल रहे हैं ना, जस्ट बिफोर द वॉर. अच्छा, सितंबर के बाद. हाँ जी. अच्छा, 65 नहीं, मैं मार्च में गया. अच्छा, और जंग उसके बाद हो गई. अच्छा, तो मैं गाना में था. तो आपके जाने के इंतजार था, आप जाएं तो फिर जंग शुरू हो. हाँ, मेरी हिफाजत. अच्छा, गाने का बताइए फिर, कैसा लगा आपको? बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. लिविंग कंडीशंस वेरी वेरी बैड. अच्छा, ये वैसे था तो मुल्क बहुत सुंदर, यानी हेड इट वाज नोन ओरिजिनली एज गोल्ड कोस्ट. यस, उसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था. नाम गोल्ड कोस्ट था. तो बहुत ही लेकिन उन्होंने सब कुछ घुमा दिया. इट वाज बैडली एडमिनिस्टर्ड. बाद में मैंने यहाँ देखा भुट्टो साहब के जमाने में कि जैसे हर चीज को नेशनलाइज किया उन्होंने, तो वहां पे भी यही हुआ था. हमारी नकल कर रहे थे. हाँ हाँ, क्योंकि उन जमानों में ये एक किस्म का फैशन था ना. जी. कि ये सोशलिज्म करें और सोशलिज्म से तमाम दुनिया ठीक हो जाएगी. तो बहरहाल ये गाना में तो गाना की बातें बड़ी दिलचस्प होंगी यकीनन. जी. तो हम इसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे. बल्कि आप थोड़ा सा जारी रख सकते हैं. अच्छा, 30 सेकंड तक. अच्छा ठीक है. तो ये बताइए, घाना जब आप गए तो हमारा पाकिस्तान के साथ उसका रिलेशन घाना का क्या था? डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या था? कोई खास बात थी? खास बात हमने ऐसे की जी कि अनक्रुमा अपने आप सबके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन करने चाहता था. अफ्रीका. अच्छा. का लीडर था, थर्ड वर्ल्ड का लीडर बनने चाहता था. तो उससे तो मेरी उसके साथ बहुत दोस्ती हो गई. आपने अपने क्रेडेंशियल्स उसको पेश किए थे? हाँ हाँ. अच्छा, निक्रुमा को. हाँ जी. और उसके बाद वो मुझे मिलता था. He was a military man also, ना? जी नहीं. नहीं, अच्छा नहीं. सिर्फ वो था अपना पॉलिटिशियन था. हाँ जी. तो उन्होंने आपसे बातें होती रहेंगी जमशेद मार्कर साहब, लेकिन हम बढ़ते हैं यहाँ पर, उसके बाद वापस आएंगे तो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है हम कंटिन्यू रखेंगे. एक बार फिर हम आपके साथ हैं. उम्मीद करते हैं कि सभी लोग खैरियत से होंगे. परवरदिगार आलम ने खूबसूरत महीना हमें अता किया. ये वो महीना है जिसमें रहमत भी है, आपकी मगफरत भी है. हम सब जो है वो परवरदिगार आलम के हुजूर अगर दस बस्ता दुआ करें, यकीन कीजिए कि रहमतें तो मिलती ही हैं, हमारी बख्शिश भी हो जाएगी और हमें दोज़ख़ से निजात भी मिल जाएगी. आज रमजान मेहमान में हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद मार्कर साहब. उनसे खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, लिसनर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन फरीद साहब के दिल और दिमाग में इतने सारे सवाल आते हैं कि वो बहुत कम किसी को मौका दे रहे हैं. ये बात मैंने कह दी है. तो फरीद साहब का जो एक दिलाया हुआ दिल है ना. जी जी, मैं बोल पा रहा हूँ बीच में. जैसे हमारे साथ जमशेद मार्कर साहब इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनकी जिंदगी को निचोड़ लेना चाहता हूँ. हमारे डिस्टिंग्विश जो हमारे लिसनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सिराज साहब से बात मैंने करवा दी थी आपकी, जनाब जमशेद मार्कर साहब हमारे पुराने हुए हैं. अभी मेरे पास कॉल आई है इकबाल हाशमी साहब की.
डिफेंस से, और वो इस कदर खुश हैं ये सुनकर और ये जानकर कि आज जमशेद मार्के साहब हमारे एफएम 107 के स्टूडियो में, अपना कराची के स्टूडियो में मौजूद हैं। वो बड़ी आपकी तारीफ कर रहे थे कि भाई जमशेद मार्के साहब ने पाकिस्तान का जिस तरह नाम रोशन किया तमाम दुनिया में, और कुफी अनान का भी वो जिक्र कर रहे थे कि उनसे भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, और वो चाहते ये हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे कहने लगे कि जमशेद मार्के साहब के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा मालूमात लोगों को पहुंचाएं। मैंने कहा मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूं। जमशेद मार्के साहब की जिंदगी इतनी वसी है, इतनी बातें उनकी जिंदगी में हैं कि शायद हम पूरी तरह न, तो हम सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े के तौर पर चलते हैं जमशेद मार्के साहब, ताकि आपके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जान सकें। जो गुफ्तगु हमने छोड़ी, तो हमने सिलसिला आपसे शुरू किया था कि आप अभी घाना में गए हुए थे पहले एम्बेसडर के तौर पर, तो उसके बाद चूंकि आप तकरीबन 15 या 20 मुल्कों में एम्बेसडर रह चुके हैं, कितने मुल्कों में रहे आप हुजूर? ऑलमोस्ट 15, मोर देन 15। हाँ, नौ मुल्कों में जी। और फिर वो जो कहते हैं ना कंकरेंट एक्रेडिटेशन। अच्छा अच्छा, तो उसके साथ ये जब मैं मसलन जब मैं गाना में था जी, तो उस वक्त गिनी और माली के भी मेरे ठीक है वो अंदर में थे आपके। जी जी, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 15 जब 15 बन जाते हैं तकरीबन, तो इन तमाम 15 ममालिक में जहाँ जहाँ रहे, मैं चाहूंगा कि वहाँ जहाँ जहाँ आप रहे तैनात, वहाँ पाकिस्तान के लिए आपने क्या काम किया, पाकिस्तान को कैसे वहाँ बढ़ावा दिया, थोड़ा थोड़ा सा आप हमें जरूर बताएं उसके बारे में। तो सर घाना के बाद आप फिर कहाँ तशरीफ ले गए थे? जी वहाँ पे तो अव्वल तो पाकिस्तान पहले नहीं था ना वहाँ पे तो, और लेकिन ये जो अनक्रूमा के साथ जो दोस्ती हो गई जी, तो उससे हम मुल्क की दोस्ती को, क्योंकि बाकी और तो क्या था पाकिस्तान और घाना में क्या कॉमन कोई एलिमेंट नहीं था ऐसा? नहीं नहीं, यानी नो ट्रेड नो कॉमर्स ये वैसे तो कुछ नहीं, तो सिर्फ यही दोस्ती की बात थी। और नक्रुमा वाज अ वेल नोन मैन, तो पाकिस्तान के भी साथ उसके साथ जो दोस्ती हो गई ठीक, लेकिन इत्तेफाक से वहां पे भी कू हो गया, और नक्रुमा जब वो चीन गया था जी, पाकिस्तान के साथ कराची हो के चीन गया जी, जब चीन पहुंचा तो पता हो गाना में कू हो गया और अनक्रुमा की छुट्टी फिर वो अनक्रुमा वापस गया था अपनी कंट्री? नहीं नहीं जा सका नहीं। वो गया फिर गिनी गया और वहां पे रहा। तो लेकिन इत्तेफाक से जिन्होंने कू किया था आर्मी वालों ने, उनके साथ मेरी दोस्ती थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि शायद अब अनक्रुमा की छुट्टी हुई तो मेरी भी छुट्टी हो जाएगी लेकिन उसके साथ तो बहुत अच्छी अच्छा रहा आपके साथ, क्योंकि हम पाकिस्तान खास करके हमारे आर्मी स्टाफ कॉलेज में हमारी एक्सचेंज करते थे हम उनके स्टूडेंट्स को। अच्छा अच्छा, तो ट्रेनिंग देते थे यहाँ लाके? हाँ यहाँ लाके, तो उनमें से ये एक था जिसने कू किया अच्छा पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके गया था पाकिस्तान में उसकी। अच्छा अच्छा, तो हमारे साथ उसकी दोस्ती बहुत थी। कुछ नाम याद है आपको कौन क्या था? मिलिट्री कोटोका। हाँ कोटोका, लेफ्टिनेंट कर्नल कोटोका। अच्छा सर, उसके बाद घाना के बाद अफ्रीका के बाद आप तो इधर यूरोप में भी आए, फ्रांस में भी आप रहे? जी नहीं, अव्वल तो मैं ईस्टर्न यूरोप में जी, रोमानिया बल्गेरिया और फिर मॉस्को में। ये कम्युनिस्ट ब्लॉक था? हाँ कम्युनिस्ट, हाँ रोमानिया बल्गेरिया और मॉस्को और फिर मॉस्को। अच्छा, तो वहाँ पे काफी मॉस्को की लाइफ के बारे में कुछ बताएं। काफी दिलचस्प थी और काफी इंटरेस्टिंग भी थी, क्योंकि वो जमाने में स्टालिन का जमाना था या लेनिन? ब्रेजनेव। ब्रेजनेव, स्टालिन खत्म हो चुका था, ब्रेजनेव क्रुश्चॉव भी खत्म हो गया था, लेकिन उनके साथ हमारे ताल्लुकात पहले तो खराब थे, फिर थोड़ा बेहतर होने लगा,
और जब मैं गया तो ये हमारी स्टील मिल की नेगोशिएशन शुरू हो गई। ठीक। उससे पहले कोई ने हमें स्टील मिल देने के लिए तैयार नहीं थे, तो इनके साथ याया खान के जमाने में रशिया के साथ आपको रशिया की जो वहाँ जो स्टील मिल हमारी जो है कराची में, हाँ वो तो बहुत ही यानी जब एग्रीमेंट हमारी जो साइन हुई जी, तो उस वक्त तो दोनों तरफ से बहुत ही ये ख्याल बहुत ही था कि ये बहुत अच्छी चीज है और हमारे लिए जरूरत है। यू कांट हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विदाउट स्टील। यस ऑफ कोर्स। तो ये दिस इज ये तो पावन। और उस वक्त कौशिगिन जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई सोवियत प्राइम मिनिस्टर नंबर टू मैन कौशिगिन, तो उसने कहा हमें कि ये स्टील मिल जी जब तैयार होगा तो उस वक्त आप हमें एक और स्टील मिल के लिए जरूर रिक्वेस्ट कीजिए मांगेंगे। और लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि जितना भी आपका प्रोडक्शन है जी, वो हम लेने के लिए तैयार है। अच्छा, जो प्रोड्यूस हम यहाँ करेंगे रशिया उसको विल टेक बैक, हम सब ले लेंगे। अच्छा, अभी से मैं आपको ये यकीन दिलवाना चाहूँ। गुड, ये तो बड़ी बात थी। इट वॉज परहैप्स योर एफर्ट आई मीन टू नेगोशिएट ऑल दीज थिंग्स। नहीं, ऑफ कोर्स आई वाज देयर एज एम्बेसडर, तो वो तो मेरी कोशिश थी। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। लेकिन SM यूसुफ साहब, अच्छा अच्छा, जो हमारे पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे जी, फिर उनको स्टील मिल के चेयरमैन बनाया। अब उन जमानों में अगर जो जो डायरेक्शन है उन्होंने वाकई तवज्जो अगर जो देते हैं तो इट वुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अनफॉर्चुनेटली फिर भुट्टो के जमाने में उसको नेशनलाइज किया गया, इतने यानी नॉट ओनली नेशनलाइज लेकिन जो काबिल आदमी थे उनको निकाल दिया। और हमके उनके जो पार्टी के आदमी थे जो भी जिनको किसी चीज का पता नहीं है, सिर्फ पैसे बनाना। सही कह रहे हैं सर। ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आप रशिया में जब आप थे वहाँ पे मॉस्को के, तो जो उनकी लाइफ है अंडर दैट रिजीम, ये जो आपका USSR का जो एक रिजीम था, वो कैसी लाइफ आपने वहाँ देखी? क्योंकि उसके बारे में कैपिटलिस्ट स्पेशली अमेरिका तो बहुत ही गलत तरीके से उसको पेश करता था। हाँ, नहीं बहुत ही मुश्किल था। देयर वाज समथिंग यू जस्ट हैड टू एक्सेप्ट, यानी जो इनकी जो जैसे जैसे उनकी क्लाइमेट जी कि जो सर्दी शुरू होता है तो बर्फ ही बर्फ, पहले आपको पहले बर्फ सितंबर में होता था और अंटिल फर्स्ट मई चल रहा था, तो वो आपको यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और उसके और उनके तरीके होते थे बनाए, लेकिन पॉलिटिकली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे बाद में हमारा साथ दोस्ती करने की कोशिश की उन्होंने, इरादा था कि कोशिश करने की, लेकिन उनकी बेसिकली हिंदुस्तान के साथ। आप ये देखिए जब पाकिस्तान बना तो हमारे लियाकत अली खान जो थे उनको चॉइस था आइदर टू गो टू USA और टू USSR, दो ही की तरफ से वो था इन्विटेशन था। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, गलत बात थी। अच्छा, इट वाज नॉट नो इन्विटेशन, बट यूजुअली ऐसा कहा जाता है। ये कहा जाता है लेकिन बिल्कुल गलत। अच्छा अच्छा, व्हाट वाज दिस सिचुएशन एक्चुअली? इन सोवियत यूनियन से कोई इनको दावत नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा।
जी एक बार फिर हम आपके साथ हैं, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107। जमशेद मार्कर सब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और बहुत सारी कॉल्स भी आ रही हैं जिसमें सब ने आपको वेलकम कहा है और बहुत सारे नाम हैं इसमें। एहसन उमर उमर है, फिजा कमर है, नबिया कमर है रंगी टाउन कराची से, और जमशेद मार्कर साहब की जो किताब है जनाब क्वाइट डिप्लोमेसी, उसके हवाले से उन्होंने बहुत कहा है, वो बहुत सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। एक बार फिर आप सबको प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। एक अजीम शान मेहमान हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद है अपना कराची FM 107 में, और जनाब बहुत सारी बातें हो रही है, आपकी मेमोरीज कमाल की, आपकी जिंदगी कमाल की, हर चीज कमाल की है, और ऐसी कमाल शख्सियात हमारे पाकिस्तान का असासा है, हमारा फख्र है। तो बात कर रही हूँ जमशेद मार्कर साहब की और गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब हमारे डॉक्टर फजल सिद्दीकी। जी जी मोहतरम मार्कर साहब, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर काफी मैसेजेस आए, कुछ लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, इस तरह कि आपके कितने बच्चे हैं और वो कहाँ तक उन्होंने तालीम हासिल की, आपका घर का अपना क्या एटमॉस्फेयर है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपका फेवरेट डिश क्या है, और या और आप पास टाइम अब आपका इस लाइफ में आने के बाद क्या है, कैसे आप अपना वक्त गुजारते हैं। जब मेरे तो दो बीबी भी थी जी और दो बेटी भी थी। अच्छा। और उसमें से जो मेरी पहली बेबी थी वो उनका इंतकाल हुआ कैंसर से, और जो मेरी बेटी थी उसके इंतकाल हुआ मोटर एक्सीडेंट से। ओह, द बोथ हैव गॉन, ओह वेरी सॉरी, बहुत अफसोस। अब लेकिन आई हैव गॉट सेकंड वाइफ जी, इनकी भी आजकल हालात तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उनको सेहत दे, एंड सेकंड एंड माय अदर डॉटर। डॉटर तो वो क्या कर रही हैं? उनकी भी शादी हो गई है। ठीक। एक्चुअली इन अमेरिका। अच्छा, ओके। अच्छा ये बताइए, कभी उनको दिलचस्पी पैदा हुई टू हैव दिस डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ लाइफ, कभी इस तरफ जाएं फॉरेन अफेयर्स के उसमें? हाँ जी, तो अच्छा। वो मेरे साथ आए थे। अच्छा। और उसमें इट इज बोथ एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज। उसका फायदा यही है जी कि आप तमाम दुनिया घूमते, हाँ न सिर्फ घूमे लेकिन वहाँ पे रहते हैं उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, उनका कल्चर को एंजॉय करते हैं, वो बहुत यानी बहुत बड़ी चीज है। ये बात तो है, जो आप नॉट जस्ट एज अ टूरिस्ट, लेकिन हर एक इसमें ये मौका मिला उनको। डिसएडवांटेज ये है जी कि जो जैसे कहते हैं ना फॉर्मेटिव ईयर्स जी, उसमें पाकिस्तान से दूर रहे। अब आई सो आई कुड सी इट हैपनिंग, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे कि इनके दोस्तों जो स्कूल में थे यहाँ पे पाकिस्तान में थे वो आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगे और दूसरे इनके दोस्तों बने जो जिससे जैसे ममलक में थे। तो ये इसका कोई इलाज नहीं है इनको, सिर्फ क्योंकि आइदर हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान या वी हैड दिस करियर। अच्छा, आप इतने मुल्कों में रहे जगह जगह, तो वहाँ खाने का अंदाज अलग होता है, कहीं कोई फल होता है किसी जगह, किसी जगह कोई बहुत ही फेवरेट होती है, आपके फेवरेट डिशेस में क्या रहा है? धान चौप तो आप लोग खाते हैं, उसके अलावा क्या आपका फेवरेट डिश है, आपको क्या चीज खाने में पसंद है? खाने में मैं बहुत बहुत कम मेरी दिलचस्पी है। देर आर टाइम्स व्हेन वन इज अवे फॉर लॉन्ग टाइम कि भाई कुछ पाकिस्तानी खाना हो, और जब पीआईए के जहाज में जब दाखिल हो तो बाकी सब कहते गए लेकिन हमें तो खुशबू जो आती है खाने का, खाने की पाकिस्तानी खाने की, हाँ तो वो तो सही है। लेकिन मैं न पकाने के जाता जानता है। अच्छा, आप खुद पका लेते हैं?
जी कुछ नहीं, नहीं वो कह रहे हैं अच्छा पकाने को नहीं, अच्छा आपको नहीं आता, अच्छा ना उनको ना पकाने से कोई खास दिलचस्पी, चलिए मैं अंडा उबाल सकता वो भी नहीं कर सकता चलिए दैट्स वंडरफुल। तो लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक से एम्बेसडर जब जाए तो आपको अपना खानसामा का साथ ले जाने का इजाजत थी। तो आपका पास टाइम क्या रहता था कि आप वहाँ पे ज्यादातर जो था सोशल लाइफ उनकी जो थी कल्चर, मसल थिएटर बहुत होता है यूरोप के अंदर आपका? वो तो मैंने I'm very fond of reading. अच्छा reading library है। Good. और हर किस्म की किताबें हैं। And the other is more Western classical music. अच्छा। का मेरे बहुत जैज पसंद है आपको या जैज नहीं क्लासिकल क्लासिकल? अच्छा आपने कहा कि आपको पढ़ने का शौक है और मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहुत अच्छी किताब है क्वाइट डिप्लोमेसी मेमोर्स ऑफ एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ वंडरफुल बुक। ये किताब आपके जहन में लिखने के लिए जब आप वहाँ जिन जिन जगह एम्बेसडर थे उस वक्त नोट्स लेते थे? नहीं नोट्स ले लेते थे, ये आप अपने मेमोरी के तहत आपने याददाश्त है माशाल्लाह। इसी के हवाले से भाई साहब बहुत सवाल आता है कि ये पूछा गया है कि आपकी जो किताब है क्वाइट डिप्लोमेसी इसका मोहरिक जाहिर है कि डेफिनेटली आप मुख्तलिफ जगहों पर रहे तो आपने किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। एसेंशियली फ्रॉम मेमोरी, लेकिन मेरे पास कोई कोई तस्वीरें थे या डायरी तो नहीं था मेरा, यानी डायरी था लेकिन उसमें सिर्फ ये नोट करते थे कि फलाने दिन पे फलाने वक्त पे फलाना आदमी से मिलना है, वो उस किस्म उसकी डायरी उस किस्म के ताकि और वो देखने के बाद फिर मुझे याद होता कि इन्होंने ये कहा कि ये हमारी बात हुई है, बाकी द रेस्ट वाज जस्ट हमारे जो ऑब्जर्वेशन थे। और शमशेर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं सामीन को बताऊं कि बहुत मशहूर राइटर स्टैनले वॉलपर्ट जिसकी मशहूर किताब दर्जिना बहुत अच्छी किताब है, उसने आपकी किताब के ऊपर जो तबसरा किया है जो लिखा है सच ए ग्रेट मैन, तो व्हाट ही हैज रिटन फॉर योर बुक अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के लोगों को उसको सुनाऊं। देखिए स्टैनले वॉलपर्ट क्या लिखता है, दिस बुक इज जमशेद मार्कस रिकलेक्शन मोस्टली फ्रॉम मेमोर ऑफ हिज वेरी डिप्लोमेटिक कैरियर इन सम ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल्स एंड ट्रेवल द बुक टुक हिम फ्रॉम frozen waste western siberia to the arctic of desert sand of sahara. Jamshed Markar is a veteran Pakistani diplomat. He was Pakistan's top envoy to United States and more than a dozen other countries for more than 3 decades. This is what Stanley Wolpert writes about you sir. Kya baat hai, to bahut bade writer Stanley Wolpert ne kitab likhi hai Pakistan China ke bare mein। अच्छा आपकी तो माशाल्लाह ऐसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात रही, तो सर कोई दिलचस्प बातें बताएं इन लोगों के बारे में, ऐसी बात जो हमें कहीं सुनने को न मिली हो। बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा, ये वाला बहुत अहम क्वेश्चन है आपका। लेकिन हम चलते हैं यहाँ पर वापस आते हैं तो जमशेद मार्कर साहब से फरीद साहब के सवाल का जवाब हम हासिल करते हैं। अपना कराची FM 107 में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं और वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान को जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान सूरह रहमान की अमली तफसीर है, यहाँ एक से एक बढ़कर हम जवाहिर देखते हैं, एक से एक अनमोल चीजें हैं। कुदरत ने इस सरजमीन को अजीब नेमतों से नवाजा है, यही वजह है कि ऐसे ऐसे नाम है कि हम जिनको अगर हम गिनते चले जाएं तो मेरे ख्याल में तादाद कम ना हो, कतार कम ना हो। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जनाब जमशेद मार्कर साहब जिनसे गुफ्तगु हो रही है, और फरीद साहब ने जो सवाल किया था उनसे कोई अहम वाकये के हवाले से, तो हम मैं फरीद साहब से कहूंगी कि वो सवाल जो है वो दोबारा दोहराइए ताकि हमारे वो लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उस सवाल को पा सके। जी जी जमशेद मार्कर साहब आपसे बात हो रही थी इस दौरान मेरे पास टेलीफोन भी काफी आए, आपने फसीउद्दीन साहब से बात भी की, तो बहुत लोग आपके इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ टेलीफोन कॉल्स आर कमिंग यू नो, और हम फिर पॉसिबल भी नहीं होता हर एक को उठा सके, लेकिन मैसेजेस भी आ रहे हैं जो सीमा रज़ा आपको पढ़ के सुना रही हैं। मेरा आखिरी जो क्वेश्चन था अब जो प्रोग्राम से पहले वो ये था कि आप जो मुख्तलिफ ममालिक में डिप्लोमेट उसमें रहे,
तो कोई ऐसा दिलचस्प वाक्य किसी समथिंग वेरी यानी एक्साइटिंग आपकी जिंदगी में हुआ हो कहीं बाहर किसी दूसरी दुनिया में जो आप लोगों को बताएं और लोग उसको सुन के खुश हों और ताज्जुब भी करें? आई विश के मैं ये आपको बता सकता हूँ जी के खुशी कितनी हुई और गम का कितना हुआ। अच्छा। वाकई गम का हुआ है। अच्छा। जब वो सबसे ज्यादा जब वो ढाका में अच्छा फॉल हुआ ढाका उसका यकीन उससे उसमें से बिल्कुल सही कह रहे हैं जमशेद मां के साथ एक सच्चा पाकिस्तानी जो मोहब्बत करने वाला है अपने वतन से मोहब्बत करने वाला है वो बहुत बड़े हमारे लिए बदकिस्मती थी जी। अच्छा वेयर वर यू एट दैट टाइम इन 1971? मैं मॉस्को में था ना। अच्छा उस वक्त आप मॉस्को में थे और हम इस मॉस्को को यही मेरी यही कोशिश थी जी कि कोसिगिन के साथ दूसरों के साथ कि भाई खुदा के लिए मत करो ये गलत बात है आप मुल्क तोड़ना है ठीक है गलती थी हमारी हमने वो तो मानते हूँ कि मैंने खास उस वक्त मुझे बहुत दुख होता था कि इतने लोग मारे जाते थे मुसलमान मुसलमान को मार रहे थे और मेरे कंट्रीमैन हर एक के साथ यानी लगा हुआ था और तो इस वो बहुत बहुत मुश्किल दिन थे। सच्ची बात है और हमारा पड़ोसी मुल्क भी उसमें हमारा जो है फुल हमारा दुश्मन बना हुआ था। अभी देखिए पिछले दिनों जो वाकया हुआ है जी भाई वो तो अब ये भी हमारे हम अपनी कमजोरी या कम अकली कभी नहीं मानते। ये आपने बहुत कमजोरी और कम अकली दोनों को नहीं मानते हम। ये हमारी कमजोरी ये बुनियादी हमेशा कसूर किसी और का है ठीक या कि रो का है या कि मुसद का है या कि सीआईए का है। अब मैंने देखे सर कितने मुल्क में अमेरिका में देखो जी कि इन्होंने जो गलती की है तो उसके बाद फौरन एक तो मान लेते कि ये हमने गलत किया और दूसरा तो इंक्वायरी हो जाती कमेटी बन जाती है। हमने हमीदुर रहमान कमीशन तो बना था उसने तो इंक्वायरी की थी। हाँ, बनाता था लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? हाँ, वो आउट भी नहीं हुआ कभी। हाँ जी और दूसरे भी हमेशा ये कहते कि किसी और की कसूर थी। ठीक यार हम अपने खुद क्यों नहीं देखते हैं कि हमने खुद गलती क्या की ताकि दूसरे वक्त हम नहीं कर सकें। सही कह रहे हैं। अब भी वक्त है हमारे मुल्क में आप जैसे लोग मौजूद हैं जमशेद मार्केट साहब जो गाइड कर सकते हैं हमें यू कैन शो अस द राइट पाथ। अव्वल तो ये है कि आप अपनी गलती को पहचाने और फिर माने उसके बाद ठीक करने का कोई दीजिए। अब ये और मैं मुझे याद से जब पाकिस्तान बना जी उस वक्त तो शायद आपके भी ये नहीं याद है लेकिन उन दिनों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान आना जाना की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं दिल्ली में था। अच्छा एक रिसेप्शन थी वहां पे दिल्ली जिमखाना में। अच्छा तो लोग सब थे उस वक्त दिस वाज 1946। अच्छा बिफोर पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन। अच्छा अच्छा 1946 लेट 46 अर्ली 47 ठीक। तो ये बातें हो रही थी एंड देयर वाज वन ग्रुप वंडरिंग कि पाकिस्तान बनेगा कि ना बनेगा
अगर जो बनेगा तो 3 महीने के लिए चलेगा या 1 साल के लिए चलेगा। ठीक, तो ये बातें हो रही थी और मैंने एक आदमी को सुना था, वो हिंदू था, कहता था छोड़ो यार बेफिक्र रहो, 6 महीने में हाथ जोड़ के हमारे सामने आएंगे कि खुदा के लिए हमें वापस तो, लेकिन इट वाज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। वो अब ये यानी उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मैं फ्लाई करके कराची पहुंचा। ठीक, और कराची ड्रिग रोड एयरपोर्ट से मेरा घर जा अपना कैंट में था जी, तो कैंट स्टेशन के पास ये यानी हर तमाम जगह बस्ती थे ये बेचारे पनौजीन के, वहाँ आप देखे कि टू फटे हुए लिबास, खूनी लिबास जी। ये लोगों के ये सब छोड़ के आ गए यहाँ पे, इनके यानी उस कुछ नहीं, नो होप बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन और नारे हर जगह पाकिस्तान का झंडा जिंदाबाद, और नारे हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये माहौल था उस वक्त। अच्छा सर, आपके कायद अजम के साथ कभी मुलाकात करने का मौका मिला? जी नहीं, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, एक दो दफे हाथ मिलाए रिसेप्शन में। अच्छा बस यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाथ आपने भी बहुत बड़ी बात है। और लियाकत अली खान उनसे तो बहुत अच्छा, बहुत करता बहुत दोस्त। हाँ जरा इन लोगों को बताए कितनी सिंपल लाइफ गुजारते थे लियाकत अली खान। बिल्कुल, यानी उनके बेटे अकबर और अशरफ और उनकी बेगम लियाकत, बेगम लियाकत अली खान, राणा बेगम राणा लियाकत अली खान, बहुत दोस्ती थी। तो साहब जी, मैं अगर आप चाहें सॉरी अगर आपको सवाल करना चाहें तो करें। नहीं, इसी हवाले से ये बताइए कि इतने जारे की इतनी बड़ी पर्सनालिटीज थी, तो इनके साथ आपके क्या मामलात रहे? आप इनके बारे में कुछ बताएं लोगों को ताकि उनको भी खुशी हो। बेगम लियाकत के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी। अच्छा, बाद में क्योंकि मेरी बीबी के साथ उनकी दोस्ती थी। अच्छा, उनसे हुआ। अब अपुआ की मेंबर थी आपकी वाइफ का? हाँ जी। अच्छा, पहली आई थिंक शी वाज फर्स्ट जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, आप अपुआ, माशाल्लाह। तो आपकी बेगम का नाम भी पूछना चाहते हैं? डायना मार्कर। डायना मार्कर, ओके ओके ओके। तो उनकी बहुत जी दोस्ती थी उनसे, बेगम लियाकत अली खान से। और यानी बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी। जब लियाकत अली का एसेसिनेशन हुआ 16 अक्टूबर 1951, जी हम बेगम लियाकत अली हम तो अपने घर में थे और मुलाजिम ने आके कहा कि रेडियो के लियाकत अली का एसेसिनेशन हुआ, तो हम तो फौरन राणा के पास पहुंच गए जी, और जो कुछ करना इतना कर सकते थे। लेकिन शी वॉज वेरी करेजियस और उस वक्त कैबिनेट मीटिंग हो गई। ठीक, जिसमें एक वो घर दिया बेगम लियाकत को, ड्राइवर और शोफर, ड्राइवर और कार, एक पीए, और उन्होंने फौरन अपने ये घर छोड़ के, अच्छा सरकारी जो था उसका, सरकारी वो छोड़ के इस घर में चले, अपने घर में आ गई, बड़ी बात। तो आई हेल्पिंग हर इन हर ऑल द उनके चेंज में, तो उससे कागजात देखे जी लियाकत अली खान के, उसने जो जमीन जो नवाब थे ना जी, जी। करनाल में, करनाल के नवाब, करनाल में जी उनकी थी, अवल तक इनका जो घर जो था गुलडाना दिल्ली में जी, अमंग द बेस्ट था, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया।
But he never claimed anything for his, you know. उसकी मैं आपको जी बताएं प्लीज. बहुत दिलचस्प बताऊं कि अब तो ये घर तो इन्होंने दे दिया. It became the Pakistan High Commission. जी. And still is. लेकिन हम हम इस बात को आपकी कंटिन्यू करेंगे और बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ जाना जमशेद मार्कर साहब हमारे सबके लिए बेहद जरूरी है. आपकी बातें कंटिन्यू करेंगे. हमने मौसीकी के बारे में भी आपसे पूछा था तो आप बता रहे थे कि आपको इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत पसंद है खासतौर पे. तो उसमें अब जो पुराने राइटर थे हमारे जैसे पैट बून था, जिम रीफ थे और आपका जाना फ्रैंक सिनाट्रा है, इन लोगों को आप सुनते रहे? जी नहीं. जी नहीं. अच्छा फिर क्या चीज आप किनको? आपके हर सवाल के जवाब में जी नहीं. जी जी. तो आप म्यूजिक में किसको सुनते रहे फिर? मोट्सार्ट. मोट्सार्ट. अच्छा 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 अच्छा. बीथोवन. बाख. बीथोवन. बीथोवन. अच्छा अच्छा. ये लोग थे. आई अंडरस्टैंड. इनके तो ऑर्केस्ट्रा मशहूर है, इनके सिम्फनीज. जी जी. ऑर्केस्ट्रा में भी ऑपरास तमाम दुनिया में मैंने. अच्छा. और तमाम दुनिया के जो ऑपरास आपने अटेंड किए. इटालियन ऑपरा बहुत मशहूर है आमतौर पर कहते हैं. अच्छा कैन यू अंडरस्टैंड जो वो पढ़ते हैं अपने खास वो करके सर जो खींचते आवाज को? कुड यू अंडरस्टैंड इट व्हाट दे आर सेइंग? अच्छा वेरी गुड. नॉट ओनली अंडरस्टैंड मजा भी आता है. मजा भी आता है क्योंकि वो लैंग्वेज की डिफरेंट होती है. एक किस्म की बीमारी है आपको. ये आपको बिथेविन के सिम्फनी 9 पसंद है आपको ज्यादा या 5 पसंद है? ये तो आपने बहुत टेक्निकल सवाल कर लिया. नहीं नहीं बहुत मजा आया. 9 तो उसके यानी I am a very famous. I listen Beethoven 5 very much. You know, it's wonderful. वो वो कहता ना उसमें से 5, 7, and 9. They are the famous. ये मैंने तमाम दुनिया में सुने हैं हर जगह. जी जी. आप अपना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं खुद भी? Do you play any instrument? मैं ग्रामोफोन बजाता. ग्रामोफोन बजाते थे. तो जब वो बहुत ज्यादा बहुत माहौल से जब इंसान घबरा जाता है, थक जाता है, तो क्या करते हैं तन्हाई में? फिर सब ऐसा होता है. बिल्कुल. हाँ बिल्कुल होता है. रीडिंग करते होंगे या फिर कुछ और चीज, कोई चीज परेशान करती हो? ये मैं म्यूजिक सुनता. ओके. और बल्कि जब मैं किताब लिखता तो उस वक्त म्यूजिक के साथ. म्यूजिक के साथ. वंडरफुल. अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है और यू आर राइटिंग. वेरी गुड. अच्छा पढ़ने में आपको डू यू रीड फिक्शन या के आप इस किस्म की डिप्लोमेटिक किताबें यानी क्या कहना चाहिए पॉलिटिक्स के ऊपर? और ये तो ऐसे ऐसे जालिम चीज है जी कि किताब खोलें तो पढ़ने का शौक लग जाता है. क्या बात. जी बिल्कुल सही बात. बाज किताबें ऐसी कि आप छोड़ नहीं सकते. आपने यानी कॉमिक्स की तो और बात है. कॉमिक्स तो नहीं पढ़ता हूँ मैं. लेकिन फिक्शन पढ़ा बहुत. बहुत ही. ओ फिक्शन भी और फिर बायोग्राफी. बायोग्राफी इसका तो अपना एक मजा है. इसका एक ना वाकई इसकी तो अपना एक बात है. बेहतरीन बायोग्राफी क्या समझते हैं? कौन सी जिसे आपने पढ़ी हो जो अब तक आपके मेमोरी में हो? बायोग्राफी क्या, किसकी मेमोरी, किसकी बायोग्राफी आपको अच्छी लगी आज तक? बहुत मुश्किल है. मुश्किल है लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल है. डिप्लोमेसी या हिस्ट्री प्रोबेबली किसिंजर. हेनरी किसिंजर. हेनरी किसिंजर. उसको मैं पहचानता भी है. अच्छा अच्छा मिले होंगे आप उससे. वेरी गुड. ये जो जब हुआ ना 1971 में और उससे पहले भी तो उसने मुझे कहा कि तमाम दुनिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं. पाकिस्तान में इलेक्शन होता है प्रॉब्लम बढ़ जाता है. प्रॉब्लम बड़ा अच्छा उसने. बहुत अच्छा. क्या बात है. आप ये आप चोमिस्की को पसंद करते हैं? डू यू रीड चोमिस्की? जी
अच्छा बहुत है ना चोमिस्की आपको पता बहुत ही इज अ ग्रेट राइटर. हाँ जी हाँ. नहीं उसको तो मैं वॉशिंगटन में मिला भी है. चोमिस्की को मिले हैं? अच्छा. But he's a very frank writer. Whatever it comes in his mind, बहुत बहुत अच्छा राइटर. अच्छा गुड. वेरी फाइन. जी जी फरीद साहब जी. अच्छा तो मैं स्पोर्ट्स की बात तो आपने क्रिकेट के तो कमेंटेटर थे लेकिन खुद आप कौन सा गेम खेलते थे अपार्ट ऑफ क्रिकेट? इन माय यंगर डेज स्क्वॉश खेलता था. स्क्वॉश? अच्छा स्क्वॉश खेलते थे. गुड. लेकिन वो तो इट्स यंग मैन्स गेम. सर आपके पर्सनैलिटी को देखते हुए एंड ऑल योर बैकग्राउंड ऑल सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स मैं ऐसे ही बैठे हुए गेस कर रहा हूँ शायद आप चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए. डू यू प्ले चेस? अनफॉर्चुनेटली नॉट. माय गेस इज रॉन्ग देन. नहीं चेस चेस नहीं. आई विश आई डिड. ब्रिज भी मैं ब्रिज मैं फिर आई वाज कमिंग ऑन ब्रिज आल्सो. ब्रिज भी नहीं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम. नहीं मेरी बीबी वाज अ वेरी गुड फर्स्ट वाइफ. अच्छा गुड ऑन ब्रिज. वेरी गुड. बल्कि बेगम लियाकत के साथ खेलती थी. अच्छा ब्रिज बड़ा मुश्किल गेम है. बहुत जी गुड. तो अच्छा आजकल आपका वक्त कैसे गुजर रहा है? आई मीन यू आर एक्चुअली आई एम राइटिंग अनदर बुक. अच्छा अनदर बुक व्हिच आई हैव गिवन टू ओयूपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. तो देखें कब तक आ जाएगी मार्केट में? अब ये मेरे हाथ में नहीं है. अच्छा यू हैव फिनिश्ड इट? मतलब आपने लिख लिया है किताब? आई मीन लिटिल यहां पे लिटिल बिट ऑफ आई नॉट श्योर. मतलब आपने उसको फिनिश करके ओयूपी को दे दिया? जी जी. अच्छा वेरी गुड. मे आई नो द नेम ऑफ दैट बुक? आई कॉल इट कवर पॉइंट. कवर पॉइंट गुड आइडिया. ओके एंड आई एक्सप्लेन इट क्योंकि ये तो क्रिकेट का है कि इट इज अ पोजीशन वेयर फ्रॉम वेयर यू आर नॉट too close and not too far. What is the topic of that book? It is first of all it's in my country right or wrong. Or my observations of the leaders. Achha. Of Pakistan under whom I have served. Good. Must be a wonderful book, readable book. So, अभी ये पता नहीं उसमें. It should be a readable book. It will probably send me to jail, but. अच्छा, you are so frank in that book. Frankly, it is. I find it very difficult to be truthful and not hurtful. रुदात खान का जिक्र है उसके अंदर? बिकॉज रुदात खान है. रुदात खान है बहुत पुराने दोस्त. आपके बहुत पुराने दोस्त. आई नो इट. और वो आपकी किताब के ऊपर उन्होंने वो लिखा भी है. अच्छा फरीद साहब मुसर्रत अकरम साहबा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं बताएं उनका भी बड़ा अच्छा मैसेज आया है. वो प्रोग्राम सुन रही हैं गुलिस्तान जौहर में रहती हैं. अभी दुबई से वो वापस आई हैं और बहुत अच्छे अहदे पर हैं लेकिन सोशल एक्टिविस्ट खासी हैं. मतलब बहुत काम करती हैं. हमदर्द के साथ भी हमदर्दी मस्जिद से शुरू की भी रुकन हैं और अभी वो प्रोग्राम सुन रही हैं और जमशेद मार्कर साहब को खुश दिली से उनका खैर मकदम करती हैं और मुबारकबाद दी कि आपने इनको बुलाया. बहुत शुक्रिया उनका कहेंगे. थैंक यू वेरी मच मुसर्रत अकरम साहब. जमशेद मार्कर साहब ने कहा है प्रोग्राम सुनती रहिए और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं. हम सबको कहेंगे कि आज हमारे प्रोग्राम में बड़ी अहम शख्सियत है. ऐसी शख्सियत को निचोड़ लेना चाहिए और फरीद साहब की कोशिश है कि बहुत सारी ऐसी बातें की जाएं जिनसे आप सब इस्तेफादा कर सकें. हमारे साथ रहिएगा. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107. एक बार फिर हम हैं आपके साथ. आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107. कोशिश ये की क्या कीजिए जिंदगी में कि किसी को आपकी जात से आपके अमल से कोई तकलीफ ना पहुंचे. दिल आजारी सबसे बड़ा गुनाह है और माह रमजान वो महीना है जो आपकी तरबियत करता है. तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी बातों से अपनी गुफ्तगू से फूल खिलाएं ना कि कांटे पहुंचा दें. तो फरीद साहब बहुत सारे क्वेश्चंस आप जी मैं दोबारा वापस आता हूँ जमशेद मार्केट साहब की तरफ. शुरू करें आप फसी. जमशेद मार्केट साहब फसी साहब से आपने बात भी की थी. उनका दूसरी बार फोन आया और ये सवाल उनका ये था कि वेयर डू वी स्टैंड नाउ. हम इस वक्त पाकिस्तान में किस मुकाम पर खड़े हैं सियासी तौर पर? अगर आप इसका मुख्तसर तरीन जवाब दे सके. लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल जमाना है पाकिस्तान के लिए. ठीक मुश्किल जमाना.
मेरा जवाब ये है कि है तो सही मुश्किल जमाना, लेकिन मैंने जो देखा है, मेरा जो तजुर्बा है जी, कि इसके बहुत ज्यादा मुश्किल जमाने में से हम गुजरे हैं। ओ अच्छा, गुजर चुके हैं। हाँ अच्छा, आपका इशारा 71 की तब तो नहीं? मैं 71 का कहता हूँ, मैं 47 का कहता हूँ। ठीक, जब पाकिस्तान बना, जब पाकिस्तान बन रहा था, बनने के बाद के मसाइल मराहिल, और उसके बाद जो कोशिश हुई इसके कि टूट जाए कि अंदर आए, कि तो वो जमानों में से हम गुजरे हैं। सही कह रहे हैं, वो इससे बहुत, इससे बनस्बत बहुत ज्यादा मुश्किल। सही कह रहे हैं आप, थे और उससे हम गुजरे हैं। सही, तो देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, लेकिन यू हैव टू बी श्योर के the light at the end of the tunnel is not coming from an engine from a railway engine. Yes, you are right, heading right. For you. Acha, main ye dekh raha hu Jamshed sahab, aapki kitab mere haath mein hai, quite diplomacy. Aapne Ghalib ka ek sher bhi quote kiya hai ki hum kahan ke the, hum kahan ke dana the, kis hunar mein yakta the, besabab hua غالب دشمن آسمان, دشمن آسمان اپنا. تو آپ کا مطلب شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رہی ہے؟ یو ہیو, یو آر کوٹنگ غالب. جی جی, ماشاء اللہ, دیٹس ونڈرفل. اور اردو میں آپ کو پتا ہے غالب ایک بڑا مشہور, ہاں جی, ہر ایک یعنی مرزا غالب, غالب خستہ کے بغیر کون سے کام کرنے, پاکستانی ہو کے غالب نہ پہچان. کیا بات ہے, کیا بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح بات ہے. تو آپ زندگی میں آل راؤنڈر آدمی رہے, مطلب ہر چیز میں آپ دلچسپی لیتے رہے, پڑھنے میں, لکھنے میں, کھیل کود میں. یہ اللہ میاں نے بڑا بہت بہت اچھا آپ کو دیا ہے, یہ مجھے موقع دیا ہے. غالب ہو گئے, فیض ہو گئے, میرا یہ خیال ہے ان سب سے آپ کی یاد ہوگی, اب یاد اللہ ہوگی ان سب سے. فیض صاحب کی بھی میری دوستی تھی نا, میں اچھا یہ سوال میں پوچھتے پوچھ رہ جاتی ہوں. ماسکو میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی فیض ماسکو میں, جب لینن ایوارڈ لینے گئے تھے وہ. ہاں جی, لینن ایوارڈ جب ان کو ملا تھا, یقیناً آف کورس. فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں, فیض ان کو ہے تقاضائے وفا ہم سے جنہیں, آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام. کیا بات ہے, فیض فیض زندہ باد صاحب, کوئی جواب نہیں. واز گریٹ لیفٹسٹ آلسو. جی جی جی, اس لیے. لیکن اب یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے جی, بدقسمتی نہیں, ہماری بیوقوفی ہے کہ دنیا میں تین یا چار شخص ہیں جی جن کو انٹرنیشنل ریکگنیشن اور اوارڈ ملا ہے, اور یہ سب پاکستان سے دور ہٹائے گئے. آپ نام لیں گے؟ آپ نام لینا پسند کریں. میں ضرور بالکل آپ کو کہوں کہ ایک تو فیض احمد فیض, ٹھیک, دین آر نوبل پرائز ونر ڈاکٹر قدیر خان, جنگ والے بہت میری دوستی. جی 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 جی, میرے ذہن سے بھی نام اس وقت نکل گیا, کیسے جی بات ہے. ڈاکٹر ہی واز فرام جھیلم. ہاں ہاں, فرام جھیلم. اور وہ ہم نے ان کو صرف اس لیے ڈس اون کیا ڈیو ٹو سم ریلیجیس پوائنٹ, یو نو دیٹ از ویری, بہت بہت قسمتی. اینڈ نیکسٹ, چار پانچ نام لینا چاہ رہے تھے آپ. اب یہ ملالہ یوسف, اس کے بارے میں بھی خام خواہ کی بات, وہ نہیں آ سکتی یہاں پہ, نوبل پرائز ونر ہے. ویری 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 سیڈ. ڈاکٹر عبد الکلام, ڈاکٹر عبد الکلام. Yes, you are right. Okay. اچھا کیوں, سوری, عبدالسلام, عبدالسلام کے بعد کی ذہن سے نام, ڈاکٹر عبدالسلام. آپ کلام کرنا چاہ رہے تھے عبدالسلام کے بعد. یہ فزکس میں, فزکس میں ان کو ہے, انہوں نے وہاں اٹلی کے اندر ان کے ایک انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن
ट्रिएस्ट में किया. वाज अ ग्रेट मैन नो डाउट. अच्छा, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत आहिस्ता से गुजर गया है, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है, तो ये बताइए जमशेद मारकर साहब, जिंदगी में आपने इतना कुछ किया, इतनी कामयाबियां मिली, शोहरत मिली, और मैं समझती हूँ एक सक्सेसफुल आदमी आप, एक हमारा फख्र है, हमारा असासा है, कोई जिंदगी से गिला, कोई शिकवा? यही है जो मैंने अभी अर्ज किया. किसी को हम न मिले, कोई हमें ना मिला, शिकवे की बात. सही बात है, हकदार को उसका. काश के माहौल ऐसे न हो कि ऐसे आदमी को हमारे मुल्क में उनको अहमियत न दी जाए. बिल्कुल, क्या कहना है. लेकिन हम खुश किस्मत है कि हमारे पास जमशेद मारकर जैसे शख्सियत मौजूद है, हम उनको ओन करते हैं. वी ओन यू सर. जी जी, ओन करते हैं. अच्छा, आप मुख्तलिफ ममालिक में गए, जितनी कंट्रीज में गए, रेडियो शो आपने किए, जिसका जैसे यहाँ पर एक पैनल इंटरव्यू आपका हो रहा है, वहाँ रेडियो से आपका गहरा वास्ता रहा, तक बहुत गहरा वास्ता रहा, तो क्या देखा माहौल आपने रेडियो का बाहर, कितना मजा आया करके? नहीं, वहाँ पे अगर तो लैंग्वेज की, जबान की, जबान का सिर्फ इंग्लिश में वो हो सकता है आपका, क्योंकि तमाम दुनिया इंग्लिश बोलती है, लेकिन अपने जबान में अगर जो आप इनके साथ बात कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे बहुत. अच्छा, इसमें मुझे एक बात ख्याल आया कि माशाल्लाह आप कई जबान बोल लेते हैं, आपकी अपनी मादरी जबान जो आपका खानदानी जबान वो गुजराती है. पारसी लोग बड़ी अच्छी गुजराती बोलते हैं, इसे डिफरेंट टाइप ऑफ गुजराती. इंग्लिश तो है ये फिर अपनी जगह. उर्दू आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं माशाल्लाह. उसके बाद अदर लैंग्वेजेस में आप कौन कौन सी बोल लेते हैं? फ्रेंच माशाल्लाह, और जर्मन, और थोड़ी सी रशियन. अच्छा, रशियन भी. तो ये बिल्कुल, तो जनाब बहुत सारी गुफ्तगू हुई आपसे, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए. तो आज के नौजवानों को, जो जो ख्वातीन ये प्रोग्राम सुन, यंगस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नेवर गिव अप होप. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपने कहा. एंड नेवर गिव अप योर कंट्री. बहुत अच्छी बात. नेवर गिव अप होप एंड नेवर गिव अप योर कंट्री. काश ये हमारे यंगस्टर्स फरीद साहब समझ जाए, बिल्कुल समझ लें कि आप अपनी उम्मीद को कभी ना खोएं, हमेशा पूरी उम्मीद रहे, और अपने वतन से हमेशा मोहब्बत, अपने को जुड़ा रखें, जोड़े रखें उससे. और ये बिल्कुल इकबाल ने कहा ना, पैविस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रखें. तो ये उम्मीदें बाहर रखें, ये आपका बड़ा अच्छा मैसेज. जमशेद मारकर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए. आपके लिए अल्फाज नहीं हमारे पास कि हम आपका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप उनमें से हैं कि आपसे, आपकी गुफ्तगू से लोगों को सबक मिलना चाहिए, आपकी गुफ्तगू से जिंदगी जो है संवर सकती है. लेकिन काश कि हम ऐसे हों कि हम आपका हक अदा कर सकें. बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मारकर साहब, मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. आपने हमारे इस स्टूडियो की रौनक बढ़ाई है, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 21 जून को 2015 में हमारे पास एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड शख्सियत हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ लाई. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. और आपकी तमाम बातें, यकीन मानिए अभी तो आपसे बातें करने को और बहुत जी चाहता है, और जो हमारे सुनने वाले लिस्टनर्स हैं उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली, बहुत मैसेजेस आए, बहुत टेलीफोन आए, और हम इत्तेफाक से बहुत ज्यादा टेलीफोन इसलिए भी ना उठा पाए कि आपसे मैं भी गुफ्तगू रहा. बहुत शुक्रिया आपके आने का. बहुत शुक्रिया आपके आने के. इसी बातों के साथ आज के प्रोग्राम से रुख्सत होते हैं. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.